ये बनते हैं, और आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको इन्हें बनाने में समय भी बहुत ही कम लगेगा और ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर हमने 400 ग्राम के लगभग मैदा लिया है, और यहाँ पर हमने 1 चम्मच नमक लिया है, और यहाँ पर हमने 1 बाउल सूजी ली है, लगभग ये 100 ग्राम होगी। तो इसे हम ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इन्हें मिक्स कर देंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इसके बाद हमने 3 चम्मच के लगभग दही लिया है, और दही हमारा ज़्यादा खट्टा नहीं है तो ये हम ऐड कर देंगे, और इसे हम मिक्स करते जाएंगे। और इसके बाद हमने ऑयल लिया है तो वो भी हम ऐड करेंगे, तो वो हम बाद में ऐड करेंगे। और यहाँ पर हमने 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड किया है। यदि आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं, खाना सोडा जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद 1 कप हमने हल्का गुनगुना पानी लिया है, ये हल्का सा गर्म कर लिया था, आप नॉर्मल भी ले सकते हैं। और 1 कप पानी लिया है, हम अपनी ज़रूरत के अनुसार इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। और यहाँ पर हम नरम सा डो लगाकर तैयार करेंगे, ज़्यादा सख्त हमें नहीं लगाना है, तो थोड़ा थोड़ा हम पानी ऐड करते जाएंगे, और इस तरह से हम डो तैयार करेंगे। और यदि हम एकदम सख्त डो लगाएंगे तो हमारे जो भटूरे हैं वो फूलेंगे नहीं। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, और इस तरह का हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं, लगभग 1 से 2 चम्मच डालेंगे, और थोड़ा सा हम इसे मिक्स करेंगे। इस तरह से हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, वही से डो जो डो है वो अच्छा चिकना हो जाएगा और भटूरे भी बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो इस तरह से हम इस पर थोड़ा सा ऑयल और लगा देंगे। और इसके बाद मैंने 1 कॉटन का कपड़ा लिया है, तो इसे थोड़ा सा मैंने गीला कर लिया था, तो ये लगा देंगे, इससे बहुत ही बढ़िया डो तैयार होता है। इसके बाद हमने यहाँ पर 1 बाउल छोले लिए थे, जिन्हें मैंने रात में ही भिगा कर रख दिए थे। आप चाहें यदि समय कम है तो 2-3 घंटे के लिए भी भिगा कर रख सकते हैं। तो 1 कुकर में मैंने इन्हें डाल दिया है, और इनका पानी मैंने हटा दिया था, और इनमें मैंने थोड़ा सा आधा चम्मच के लगभग बेकिंग सोडा ऐड किया है, और यहाँ पर मैंने अभी नमक नहीं डाला है। तो इससे ये बहुत ही बढ़िया, एकदम बढ़िया से बॉयल होते टाइम पक जाते हैं, और बहुत ही बढ़िया ये बनते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 कप पानी ऐड किया है, और ज़्यादा पानी भी हमें ऐड नहीं करेंगे, और 2-3 सीटी आने पर ही हम इन्हें पका लेंगे। और इसके बाद हमने थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा भी डाल दिया है, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। यहाँ पर हम तब तक मसाले तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्ची ली है, 1 चम्मच यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, कुछ गरम मसाला लिया है, और इसके बाद मैंने यहाँ पर टमाटर और प्याज की प्यूरी तैयार कर ली है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 आलू भी बॉईल कर लिया है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, बस छोले तैयार। पर छोले में मुझे आलू बहुत ही पसंद है, तो यहाँ पर छोले बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गए हैं, और 2-3 सीटी आने पर ही इस तरह से। और यहाँ पर हमने 1 कुकर गर्म कर लिया है, इसमें हमने 1 कप ऑयल डाला है, तो हम तड़का लगाएंगे। इसके लिए हमने थोड़ा सा गरम मसाला लिया था, लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता, ये सब हमने मिक्स करके इसमें ऐड कर दिया था। इसके बाद आधा चम्मच जीरा लिया है, वो भी डाल देंगे, 2 हरी मिर्ची ली थी कट करके वो भी ऐड कर देंगे, 1 पिंच हींग ली है वो भी ऐड करेंगे, और यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार किया था तो वो डाल देंगे, और इसे हम अच्छे से चला लेंगे। और इसके बाद हमने थोड़ा सा रतन जोत भी इसमें ऐड किया है, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है सब्जी में। और हमने यहाँ पर जो प्याज का पेस्ट तैयार किया है, तो यहाँ पर हमने 2 से 3 मीडियम साइज की प्याज ली थी, तो आप जितनी भी ग्रेवी तैयार कर रहे हैं उसके अनुसार ले सकते हैं। तो इसे ऐड कर देंगे और अच्छे से हम चला लेंगे। और यहाँ पर हम गैस को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। इसके बाद हमने 1 कश्मीरी लाल मिर्च ली थी, तो इसे हम
इस तरह से तोड़ते हुए डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। इससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है और इस तरह से आप डालेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया इसमें टेस्ट आएगा। इसके बाद हमने जो लाल मिर्ची ली थी वो भी ऐड कर दी है। उसके बाद जो हमने हल्दी पाउडर लिया था वो भी ऐड कर दिया है और धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया है। तो हम सारे ही मसाले ऐड कर देंगे और हमने गरम मसाला तो पहले ही ऐड कर दिया था। और यहाँ पर हम छोला मसाला भी डालेंगे 1 चम्मच, तो वो लास्ट में ऐड करेंगे। और इसके बाद हमने यहाँ पर 1 चम्मच नमक लिया है, तो ये थोड़े से मसाले मिक्स हो गए तो नमक ऐड करके भी हम मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा इनका कलर आया है और मसाला थोड़ा सा पक गया है। तो हम इसमें जो टमाटर की प्यूरी थी वो ऐड कर देंगे और इसे हम 1 से 2 मिनट और चला लेंगे। तो लगभग मसाला जो हमने यहाँ पर पकाया है तो इसमें हमें 10 मिनट तो लग ही जाते हैं। और यहाँ पर हम मीडियम गैस पर इसे चलाते रहेंगे, तो यहाँ पर जो मसाला है उससे ऑयल रिलीज़ हो गया है। तो लगभग हमारा मसाला बनके तैयार हो गया है। तो अब हमने जो छोले लिए थे वो ऐड कर देंगे और इनका हमने पानी निकाल दिया था। और इन्हें हम बहुत ही हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, तो इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब हम मसाला ऐड करेंगे, छोला ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हम गैस को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और जो आलू लिया था वो भी ऐड कर देंगे और वो हम लास्ट में छोले के बाद ही डालेंगे और हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। तो इसके बाद हम थोड़ी देर लगभग 1 मिनट ढककर पका लेंगे। और इसके बाद हम इन्हें पकने के बाद 1 कप पानी ऐड करेंगे। तो आपको ग्रेवी जिस तरह की रखनी है उतना आप पानी थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 कप पानी ऐड किया कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस को हम यहाँ लो मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। और इसके बाद हमें इसने चलाने के बाद ढक देंगे और 2 से 3 मिनट बाद देखेंगे तो यहाँ पर अच्छे से बॉयल आ गया है। 1 से 2 बॉयल आने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे और यहाँ पर हमारे छोले बन के तैयार हैं और बहुत ही बढ़िया इनका कलर आ गया है। तो हम इस तरह से इन्हें ढक देंगे और यहाँ पर हम देख लेंगे, यहाँ पर आटा हमने लगा कर तैयार किया था वो थोड़ा सा अच्छा हो गया है, एकदम फूल गया है। तो हम इससे लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो छोले बन के तैयार हो गए हैं। अब हम भटूरे तैयार करेंगे। तो इनके लिए हम इक्वल साइज की इस तरह से हम लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो इस तरह से तोड़ेंगे तो आप ये एक साइज में लोइयाँ बन के तैयार होंगी। तो इस तरह से हमें लोइयाँ बना लेना है और हम इसमें थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगा लेंगे जिससे कि लोइयाँ अच्छे से चिकनी बने और हमारे भटूरे भी बढ़िया से बन के तैयार हों। और हमें एकदम पतले भटूरे बेलना है यहाँ पर। तो हम सारी जो लोइयाँ तैयार की हैं उन्हें इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और बेलन है उसे भी ऑयल से ग्रीस करेंगे। इसके बाद हम भटूरे बेल लेंगे। तो इस तरह से बेलना है, हम इसे गोल साइज में बेल रहे हैं, आप ओवल साइज में भी बेल सकते हैं। तो जैसे भी आपको पसंद है वैसे आप बना सकते हैं और घर में बनाकर आप खाएंगे गर्मा गर्म, तो उसका तो कुछ मज़ा ही अलग होता है। मार्केट से भी आप खा सकते हैं पर इस तरह से एक बार जरूर ट्राई करें। तो ये हमारा भटूरा बिल के तैयार हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा और हाथों से बढ़ाकर इस तरह से तैयार करेंगे। और ऑयल हमने यहाँ पर अच्छा गर्म कर लिया है और हमारा भटूरा बहुत ही बढ़िया फूल गया है, एकदम से बढ़िया। और यदि आप ऑयल अच्छा गर्म नहीं करेंगे तो भटूरा फूलेगा नहीं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ज़्यादा भी गर्म नहीं करना है कि भटूरा जल ही जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट सा और एकदम फूला फूला बढ़िया सा हमारा भटूरा बनके तैयार हो गया है। तो इसे हम निकाल लेंगे, बस डालते से ही फूल गया था। तो इस तरह का हम बनाकर तैयार करेंगे। तो अब हम एक और भटूरा इस तरह से बेलकर तैयार कर लेते हैं और इसे भी फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा सा जो हमने झरिया लिया है उससे दबाते हुए इसको इस तरह से फ्राई कर लेंगे तो ये फूल जाता है अच्छे से।
तो दोनों ही भटूरे हमारे फूल का तैयार हो गए हैं, तो हम निकाल लेंगे। और यहाँ पर हमारे छोले भी बन के तैयार हो गए, तो उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर और कितनी बढ़िया ग्रेवी बन के तैयार हुई है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया लिया था, तो वो भी ऐड कर दिया है। और इसमें मैंने एक चम्मच छोला मसाला डाल दिया था, वो हम वीडियो में नहीं दिखा पाए, तो वो भी ऐड कर दें, उससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और वैसे भी सारे मसाले हमने डाल ही दिए थे पहले, गरम मसाला भी ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देखने में कितना बढ़िया लग रहे हैं, और कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है, और बहुत ही जल्द बन के तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर बहुत से व्यूअर्स हमारे जो सब्सक्राइबर हैं बोलते हैं आपकी रेसिपी बहुत ही सरल सिंपल रहती है, बहुत ही बढ़िया आप बनाते हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह